बिहार विधानसभा के लोगों ने चुनाव जीता। ये हमारी ये सब हमारा और आपका हो। इसके पहले जब लोग हम लोग भोपाल जाते तभी में जिला से पूरे भरे जिला के मीटिंग में प्रदेशों की प्रदेश की मीटिंग में अपमानित किया जाता था कि आपके पास कितने विधायक हैं। संगठन के प्रति जवाब दे है क्योंकि इनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने करी है। कमजोर उस कमजोरी को मजबूत करने के लिए फिर हमारे प्रभारी जी दिशा निर्देश देंगे कहाँ हमारी जरूरत है, कहाँ अध्यक्ष की जरूरत है, कहाँ शत्रुघ्न की जरूरत है। भी विधानसभा है जहाँ का एक वर्कर आज तक 5 रुपए के लिए फोन नहीं किया। ये बड़े सम्मान की बात है कांग्रेस के साथियों पर। पूरी विधानसभा से बगल में विधानसभा देख लीजिए, राजा के सामने एक जनता का आदमी खड़ा कर दिया, रंग को खड़ा कर दिया, जिसने सेवक को खड़ा कर दिया। गांव गांव देखे हैं, गांव में पहचान है, जिनके हृदय में राम रहते हैं और स्वयं गरीब झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए राम गरीब बनवाती उसका नाम है। एक नीचे से ऊपर नहीं गई, ये दीवार की नेव की दीवार चढ़ी, फिर चक्रा, फिर पिंड हुआ। साथियों कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मंडल कौन कितना मजबूत है। मंडल के पदाधिकारी को चाहिए कि हमारा सेक्टर कौन कितना मजबूत है, और सेक्टर एक्ट को चाहिए कि हमारी जिले की पोलिंग कितना मजबूत और कमजोर है। ये सारी बातें साथियों मजबूती की बातें, कमजोरी की बातें, कौन किस किस के पास गाड़ी है, कौन व्यक्ति किस समय कार्यालय से रवाना हुआ, किस गांव में गया और कब वापस हुआ, कौन सेक्टर कमजोर है। सर्वहारा समाज का कांग्रेस है, लेकिन कौन से समाज की कमजोरी कांग्रेस के लिए दिख रही है, ये सचिव कार्यालय के रजिस्टर में एंट्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमने आप लोगों की उपेक्षा हम नहीं कर रहे, लेकिन जितना आप लोग जितने की चुनौती दे रहे वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जो नफरत सत्ता परिवर्तन बदलने की भावना जनता में हुई है, साथियों ये सत्ता परिवर्तन ये प्रदेश की जनता करने जा रही, हम और आप नहीं करने जा रहे। हम जो हमारा दायित्व है कि हम कब कार्यालय से निकल रहे हैं, किस किस गांव जा रहे हैं, फिर कब हम लौट रहे हैं, कौन सी पोलिंग में कौन सी जाति समाज का यादवी गड़बड़ है, उसकी रिपोर्ट एक भी रजिस्टर में दर्ज नहीं, ये दर्ज होना चाहिए। अभी वक्त है, हम अपील करते हैं कि हमारे जो मंडल के अध्यक्ष, जो हमारे सेक्टर के अध्यक्ष, जो हमारे बिले, वो आज ही सारे विधानसभा के पोलिंगों पर जाएं और जाने के बाद चर्चा करें और शाम तक वो रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए कि कहां पर हम कमजोर हैं। उस कमजोरी को मजबूत करने के लिए फिर हमारे प्रभारी जी दिशा निर्देश देंगे कहां हमारी जरूरत है, कहां अध्यक्ष की जरूरत है, कहां शत्रुघ्न की जरूरत है, कहां प्रदीप पटरा की जरूरत है, बहुमादित प्रसाद की जरूरत है, कहां चक्रधर की जरूरत है, कहां सीटी त्यागी की जरूरत है, या अन्य नेताओं की
जो जरूरत वो रिपोर्ट साथियों शाम तक कार्यालय में दर्ज होनी चाहिए। अब ज्यादा नहीं बोले थे इसलिए कि बोलना भी नहीं आता, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात जिम्मेदारी, क्योंकि वो क्षेत्र का नेता है जो मंडलम सेक्टर के हैं, उन्होंने बीएलए बनाए हैं, बीएलए उनके प्रति जवाबदेह है, कांग्रेस पार्टी के प्रति जवाबदेह है, ब्लॉक अध्यक्ष मंडलम सेक्टर बीएलए ये सब संगठन के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि इनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने करी है। और गांव में मैदान में पोलिंग बूथ पर आप आदरणीय कमलनाथ जी के और हम सबके विश्वास के प्रतीक हैं, इस बात को आप समझ लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी चुनौती का समय हमारे सामने है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एआईसीसी ने हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राम गरीब वनवासी जी को सिरमौर क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। राजा के सामने एक जनता का आदमी खड़ा कर दिया, रंग को खड़ा कर दिया, जिसने सेवक को खड़ा कर दिया, गांव गांव देखे हैं, गांव में पहचान है, जिनके हृदय में राम रहते हैं और वो स्वयं गरीब झोंपड़ी में रहते हैं, इसलिए राम गरीब बनवासी उनका नाम है। ऐसा आदमी, ऐसा सेवक जो यहाँ की तकदीर तस्वीर दोनों बदल देंगे, ये हमारे मन में विश्वास है। क्योंकि राम गरीब जी अकेले नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं, हमारे नेतृत्व का आशीर्वाद उनके साथ है, और वो रह चुके हैं, समाज की सेवा कर चुके हैं। साथियों, जब हमें ये मालूम है कि एक बदलाव की बयार पूरे रीवा जिले में है, आठों विधानसभा में है, मध्य प्रदेश में है, विंध्य में है, तो हम सिरमौर से हमारे नुमाइंदे को जिताकर क्यों ना भेजें? हमें भारी मौका से जिताना चाहिए। हमें मालूम है राजा रजवाड़े चुनाव लड़ रहे हैं, हमें मालूम है सौदेबाज लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता का ईमान, हमारे कार्यकर्ता की वचनबद्धता के सामने ये दोनों धूल में मिल जाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं मंडलम सेक्टर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं की पूरी लिस्ट है, फोन नंबर है, प्रत्याशी जी के पास भी वही है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 159 से पोलिंग बूथ 159 से लेकर 243 तक ये सिरमौर के ब्लॉक की जिम्मेदारी होती है, ब्लॉक अध्यक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है, मंडलम सेक्टर और पोलिंग बूथ की भी उतनी जवाबदारी है, और जो प्रभारी हैं विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक के प्रभारी बनाए हैं आदरणीय कमलनाथ जी ने, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि जो रिजल्ट शीट हमारे सामने है 2018 के चुनाव की, जिसमें हम हारे थे, पोलिंग बूथ का विवरण है, ये मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी को अभी देकर जाऊंगा, 159 से 243 तक की पोलिंग बूथ की से एक एक पोलिंग पर जो काम हो रहा है, जो वोट डरेंगे उसकी मॉनिटरिंग प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी, प्रताप भानु शर्मा करेंगे आपके बीच। जो जीतेगा पोलिंग उसको पुरस्कार मिलेगा कमलनाथ जी की तरफ से, और जिसकी पोलिंग हार जाएंगे वो हाथ जोड़ के हम नमस्कार कर लेंगे उनसे। ये बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों, राम गरीब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ का चुनाव लड़ रहा है, एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रहा है। और ये बात सही है, कमरे में बैठ के प्लानिंग हो सकती है, बंद कमरे में पैसे का लेन देन हो सकता है, पर जनता के बीच में जब उसका चेहरा उजागर होगा वो उस क्षेत्र में कहीं का नहीं रह जाएगा, ये मैं बता देना चाहता हूं आपको। इसलिए सौदेबाजों से सावधान रहे, वोट बिकेगा नहीं, वोट एक कीमती वोट,
राम गरीब के लिए जाएगा, हाथ के पंजे के लिए जाएगा, कांग्रेस के लिए जाएगा, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जाएगा। ये बहुत गंभीरता से मैं इस बात को कह रहा हूं। कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया है, सम्मान दिया है, जिम्मेदारी दी है, पद दिया है, और जब कांग्रेस के आने वाले समय में सरकार बनेगी आपको और ज्यादा जिम्मेदारी हम लोग देंगे, घर में नहीं बैठने देंगे। ये एक ऐसा चुनौती का समय है जब पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सिरमौर क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश का सिरमौर बनकर निकले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। गरीब आदिवासी जी जो वनवासी लिखते हैं बहुत ही जुझारू है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईमानदार है। मैंने इनको इनके कार्य को 1.5-2 सालों में देखा है, समझा है। आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये विधायक बनकर क्षेत्र की सेवा करेंगे, विकास करेंगे, और सिरमौर क्षेत्र में आदरणीय कमलनाथ जी को लाकर आपके बीच में हम खड़ा कर देंगे, ये हम आपको भरोसा दिला रहे हैं। 6 मंडल की 30 की कमेटी जोड़ दीजिए, 18 सेक्टर की उनकी भी 30 की कमेटी जोड़ दीजिए, और ब्लॉक और जिला इनके पदाधिकारी जोड़ दीजिए, और महान वहां दिक्कत यहाँ विराजमान है जो सब सिरमौर विधानसभा के, और ज्यादातर चक्रधर भाई को छोड़ दीजिए तो सब इसी के है। सबकी जिम्मेदारी ये बनती है अगर सब लोग मन से, जैसे हमारे अभी संचालक, मेरा ये निवेदन है अगर 3,000 की संख्या में हमारी अपनी कैपेसिटी अगर 10 वोट की है तो 30,000 वोट होता है इस ब्लॉक में, 30,000 वोट कांग्रेस का होता। अगर हम लोग जैसे हमारे साथी कह रहे हैं 20 साल से हम लोग यही मीटिंग सभा करते जा रहे हैं। ये एक बात और कहना चाहता हूँ जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, प्रभारी महोदय भी हमारे साथ रहते हैं, एक अकेली ऐसी विधानसभा है जहाँ का एक वर्कर आज तक 5 रुपए के लिए फोन नहीं किया। ये बड़े सम्मान की बात है कांग्रेस के साथियों पर, पूरी विधानसभा से, बगल में विधानसभा देख लीजिए, शीला जी भी जाती है, हम भी वही काम करते हैं, तो दिन भर मेरे पास फोन आता है, बैठान ऐसे कुछ भिजवाए नहीं ला रहा है, कितनी देर रही, कैसा नहीं, क्या स्थिति है, लेकिन यहाँ के हमारे सम्मानित साथियों ने काम करी थी, एक दिन भी फोन नहीं किया कि मुझे व्यवस्था चाहिए। मैंने उस दिन भी आप सबसे निवेदन किया था अगर हम 20 साल कांग्रेस के लिए तन मन धन लगा रहे हैं तो 3 दिन और बचेंगे। अपने सब साथियों से कहता हूँ, मैं खासकर ब्लॉक अध्यक्ष से कहता हूँ, ये मीटिंग चली जाए, यहाँ से लोग चले जाएंगे, आप अपने मंडल सेक्टर को बैठाइए, जैसे अभी राम गरीब जी ने कहा, मेरा भी निधन पोलिंग के समीक्षा कर ली, और आज के बाद, आज की मीटिंग के बाद मेरा सब साथियों से निवेदन है, प्रभारियों को छोड़कर, कि सब लोग अपने प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, पूरे विधानसभा जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं, अपनी पोलिंग में रहें, अपने सेक्टर में रहें, अपने मंडल में रहें, और जहां भी आपकी जरूरत हो ब्लॉक अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी समीक्षा कर लीजिए, कहां जरूरत आदित्य सिंह जी की है, कहां प्रदीप सिंह की है, कहां चक्रधर की है, कहां रमेश की है, कहां प्रभात की है, कहां हमारी है, आदेश करिए कि आप वहां जाइए, वहां उनको जाना पड़ेगा, लेकिन ये समय हमारे पास 2 ही दिन का। और बाकी साथियों को मेरा निवेदन है कि अपने मंडल एरिया में रहिए, अपने सेक्टर में रहिए, अपनी पोलिंग में रहिए, और अभी जब समीक्षा हो जाए तब से आप चिन्हित कर लीजिए कि भाई भगत गड़बड़ है, प्रदीप सिंह गड़बड़ है, अजीत सिंह गड़बड़ है, ये चिन्हित करके ब्लॉक अध्यक्ष के पास दीजिए, और वहां जिसकी भी जरूरत हो, आदित्य सिंह की जरूरत है आदित्य सिंह को भेजिए, चक्रधर की जरूरत है चक्रधर को भेजिए, जिसकी भी शीला जी की जरूरत है उनको ड्यूटी लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। इस सिरमौर का चुनाव का पूरा दारोमदार आप सबके ऊपर, जितनी दिग्गज हस्तियां यहाँ बैठी है पूरे समाज की, कोई ब्राह्मण ठाकुर वर्ग से नहीं है, चाहे पिछड़े वर्ग की समाज से हो, चाहे SC ST समाज से हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सिरमौर विधानसभा के चुनाव को आप लोग सिरमौर ब्लॉक से जीत सकते हैं, मेरी यही कहना है, लेकिन आप सबको 3 दिन पूरी मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करिए, बहुत हो चुका, आप शासक चुनना की सेवक चुनना, सिरमौर विधानसभा की जो मर्यादा रही, जो गरिमा रही, आप सबको बताने की जो राम गरीबे घर मिलेंगे यहाँ आप।
जिता दीजिए, पहले भी जिता चुके हैं, आपको मिला हो तो बताइए। एक और आए वहाँ से लड़ने, सतना से, इनके गांव के ही है, रहते वो सतना में, धंधा व्यवसाय सतना में करते हैं, आ गए हैं। एक दिन मैंने और सबसे निवेदन किया कि राम गरीब को जिता के इस प्रदेश में अपना मान सम्मान बचा लीजिए, और प्रदेश के लोग ये नाम लेंगे। देखिए राम गरीब जैसे गरीब आदमी को सिरमौर विधानसभा के लोगों ने चुनाव जीता, ये हमारे ये सब हमारा और आपका हो। इसके पहले जब लोग हम लोग भोपाल जाते तभी में जिला से पूरे भरे जिला के मीटिंग में, प्रदेशों की प्रदेश की मीटिंग में अपमानित किया जाता था कि आपके पास कितने विधायक हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया मेहनत करके, सब लोग अच्छी अच्छी मेहनत करके, भाई राम गरीब को जिताइए, बिल प्रदेश का मंत्री आपके क्षेत्र में मंत्री रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी ये करती, देख लीजिए भाजपा को, भाजपा ने दिया एक मंत्री बनाया, लेकिन राजमणि पटेल जी जब यहाँ विधायक थे यहाँ से मंत्री होते थे हमेशा, इसी तरह राम गरीब भी मंत्री हो। ज्यादा बात न करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज की समीक्षा के बाद ब्लॉक अध्यक्ष जी ये बताएंगे कि कहाँ किसी को जाना है, बाकी हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि अपने अपनी पोलिंग में रहिए, सब की गिनती पोलिंग से। मैं भी दो दिन जा चुका हूँ, अभी एक दिन फिर जाऊंगा अपने गाँव में, शाम से सुबह तक घूमूंगा, इसलिए कि सबकी गिनती पोलिंग। हम बहुत बड़े नेता है, अगर अपनी पोलिंग हार गए तो प्रताप पान जी काले जाएंगे, चलो किनारे बैठो। जब अपनी पोलिंग हार गए हो, और दूसरा सबसे भाई विष्णु जी बैठे हैं, और लोग जो बैठे हैं, आप अपने प्रभार क्षेत्र को अपनी पोलिंग को समेटिए सब लोग। अगर पोलिंग जीत जाएंगे तो हम बड़े नेता, अगर पोलिंग हार गए तो क्या हम जहाँ घूमते रहे कोई मतलब नहीं। इसलिए अगर सही जरूरत है दूसरे विधानसभाओं में तो ठीक है, जाइए घंटे दो घंटे के बाकी लौट के अपनी पोलिंग में आइए। आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, दीपावली की हार्दिक शुभकामना, और 17 तारीख को वोट के बाद जब 3 तारीख को हमारे गरीब साहब विधायक हो जाएंगे तो हम लोगों का सर मध्य प्रदेश में ऊँचा हो जाएगा और सिरमौर सिरमौर हो जाएगी। धन्यवाद, जय जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।